इसको भाई कैसे लेकर जाऊँ मैं भी सोच रहा हूँ, तो देखते हैं। क्राउड होगा तभी प्रॉब्लम होगा। देखो भीड़ एकदम नहीं है। एक ड्राइंग को लेकर जाना भाई कठिन तो है, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्क्रैच पड़े तो प्रॉब्लम है। तरफ रख दूंगा ऐसे करके और जाऊंगा, क्योंकि एक खजाना है। बहुत कष्ट करके मैंने ये करा है। गाइस जो भी बोलो, इस ड्राइंग को देने का इच्छा मेरा तो भाई नहीं हो रहा है, पर देना तो पड़ेगा, माया कटाना पड़ेगा सबसे। और देखता है कैसे लेकर जाता हूँ ट्रेन से ट्रैवल करके, क्योंकि बहुत क्राउड होता है बोंगा लोकल में। तो आई डोंट नो क्या होगा, तो इसका फ्यूचर क्या होगा। तो अब इसी केक की प्रॉब्लम है, इसको मैं लेकर कैसे जाऊँ ट्रेन से, वो भी बोंगा लोकल में, इतना क्राउड होता है। तो आई डोंट नो। और जो बोलो हुआ था भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल। ट्रेन के अंदर देखो इसका फोटोशूट चल रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बजे 8:30। कल भाई 2 बजे सोया था, ये ड्राइंग करके उसके बाद एडिटिंग वेडिटिंग था, तो अभी तो 8:30 बज रहा है मेरा। होपफुली 9 बजे धरूंगा सोच रहा था, पर 9:30 बजे का ट्रेन धरूंगा बारसात लोकल है। मैम ने कहा है 11:30 बजे के अंदर ये पोस्टर सबमिशन करना पड़ेगा। ये देखो ये वाला करा था ना, आवर लैंड आवर फ्यूचर के ऊपर। आप सब जरूर बोलना कि कैसा हुआ है पोस्टर ड्राइंग कॉम्पिटिशन में। और मैं तो बोटानी डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, बोटानी जूलॉजी और जियोग्राफी होपफुली। तो या ये देखो अच्छा करके, तो ये जो ड्राइंग है ना भाई, इसको करने में जो जितना समय लगेगा देना में तो उतना समय नहीं लगेगा। अभी देखते हैं वहाँ पे जो जीतेगा 1 जून को ही प्राइज देगा वो सब, एक मेडल। और इसके पीछे मैंने टॉपी कावरलैंड तोमल गांगुली बीएससी ऑनर्स इन बोटनी फर्स्ट टाइम, ये सब लिखकर फोन नंबर भी लिख दूंगा। तो ये रहा फाइनल पिक्चर। तो चलो कॉलेज में जाके सबमिशन करके आते हैं। उसके साथ साथ ही आज है मेनली हमारा जो आईडी कार्ड था ना, वो आईडी कार्ड में पिक्चर लगा कर सोई करके एक सिग्नेचर देके सबमिशन करना पड़ेगा। तो चलो जाते हैं कॉलेज में, क्या क्या होता है आप सबसे शेयर करूंगा। तो अभी नहा धा कर खा कर रेडी होकर बाहर निकलता हूँ। इसको ना गाइज मुझे देने का इच्छा नहीं हो रहा है, पर सबको ही माया एक दिन कटाना पड़ता है। और ये पेंटिंग मैंने बेसिकली करा है वाटर कलर से, आप सब होपफुली समझ पा रहे हो, इतना डिटेल्ड वर्क करा मैंने, क्या ही बोलो, मेरा तारीफ मैं ही कर रहा हूँ। तो चलो फोन नंबर टम्बर लिखने के बाद, और सुबह से मैं एक्सपोर्ट कर रहा था वीडियो, क्योंकि स्टोरेज को भी तो देखना पड़ेगा, है ना। ये देखो सब इंसान टन रहा है, और इसको अगर ऐसे करूँ तो पृथ्वी हंस रहा है, और इसको अगर ऐसे करूँ तो रो रहा है। जब भी हम लोग इंसान पृथ्वी का ध्यान देना ख़त्म कर देंगे तो ऐसे होगा। अगर हम लोग ऐसा सोच रखे जैसे विंड व्हील या फिर वाटर जल संरक्षण या फिर सोलर पैनल रिसाइकिल रीयूज प्लांट लगाए, तो पृथ्वी फिर से इतना सुंदर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ थीम है मेरा आवर लैंड आवर फ्यूचर का। तो चलो, तो अभी मेनली जो प्रॉब्लम है वो है इसको कैसे मैं लेकर जाऊँ। इतना बड़ा पेज है और मैं ट्रेन में जर्नी करूँगा 1 घंटा 20 से 30 मिनट। तो इसके अंदर मैंने बोर्ड पहले अंदर दे दिया, अभी इसको देखता हूँ जाता है कि नहीं, होपफुली तो चला जाएगा। तो या ऐसे करके हाथ में लेकर जाना पड़ेगा, अदरवाइज फोल्ड हो जाएगा। तो हाँ, और आज ना सुबह भाई इतना ठंड लग रहा था, क्या ही बोलो, पूरा विंटर पड़ गया है मुझे लग रहा है आज से। सुबह का खाने में बस दाल या फिर आलू भाते और आलू भाजा, जो एक बंगाली थाली में नेसेसरी है। उसके साथ साथ ही यहाँ पे मम्मी ने कोचू बाटा करा है, बहुत ही फेवरेट। मैं सोच रहा था कि ये भाई और कुछ है, तो कोचू बाटा है, तो चलो खा लेता हूँ, मान कोचू बाटा। तो गाइज मैं भी खा रहा था, खाते खाते एक चीज़ याद आया कि आपका मम्मी भाई बहुत ही कष्ट करके रन्ना करता है या फिर कुकिंग करता है परिवार के लिए, पर हम लोग कभी भी मम्मी को ये नहीं बोलते कि मम्मी अच्छा हुआ है, अच्छा होता है मम्मी का खाना। पर मैं बोलता हूँ हर समय, ओमा भालो हुए रान्नाटा भालो हुए, और खुश हो जाता है। तो ऐसे बोल के देखो, अगर आप काम को अप्रिशिएट करोगे तो प्यार भी पाओगे। तो गाइज अभी रेडी तो हो गया हूँ, तो चलो ये पिक्चर लेकर भाई, देने का तो इच्छा नहीं हो रहा है, पर माया काटना पड़ेगा संसार से। तो अभी 9:15 हो रहा है, मैं जल्दी से जाता हूँ रॉकेट का गति से। तो चलो देकर आता हूँ, ये वाला पेंटिंग पोस्टर ड्राइंग था एनवायरनमेंट के ऊपर, आवर लैंड आवर फ्यूचर। तो चलो 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 जाते हैं। आज भाई सन ही मॉर्निंग है,
और इसको ले जाने का ये चलो अभी जाता है इसको ऐसे करके लेकर ट्रेन में कैसे ले जाऊंगा इसको। मैंने ना सोचा था कि टिकट भाई नहीं लगता है कॉलेज के स्टूडेंटों को, पर ये गलत है। हमारा वेस्ट बंगाल में कोई ऐसा नियम नहीं है, मतलब हाफ हो जाता है पर फुल्ली नहीं है। हाफ हो जाता है टिकट का प्राइस अगर आप छोई टोई करके आओ प्रिंसिपल का, पर पूरा फ्री नहीं होता है। बस ये तो भाई एक बंडल रुपया ले लिया तो चलो। इस टाइम में ट्रैफिक की वजह से ही थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है, और अगर ये वाला नहीं धर पाऊँ 9:27 का तो इसके बाद का 9:50 का ट्रेन धर भी हो सकता है। अगर कोई सोते सोते बाइक चलाना सीखना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट टू माई फादर। लेट हो गया धीमे धीमे, क्या ही बोलूं। हर हर महादेव, जय शिव बाबा, जय शिव बाबा, सावधानी चलो। आई थिंक हाथ में समय लेकर निकलना ज़रूरी है क्योंकि लाइफ पहले है। तो गाइस मैं भी हट के ही जा रहा हूँ तो चलो। अगर ट्रेन नहीं धर पाऊँ तो भी ठीक है, पर टिकट काट के ही जाऊँगा, अदरवाइज प्रॉब्लम में पड़ूंगा बाद में। 9:29 हो रहा है, होपफुली ट्रेन ओ छोड़ दिया है। चलो 50 का ट्रेन धरूंगा या तो 9:50 का ट्रेन धरने में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10, 9, 10, 11 बजे होपफुली पहुँचूँगा तो चलो। अभी नहीं हुआ तो क्या ही करेंगे, बट जीवन का रिस्क नहीं लेना चाहिए तो चलो टिकट काट के जल्दी से जाता हूँ। तो यहाँ तो ये 9:27 का ट्रेन भाई बहुत ही अच्छा था क्योंकि ये था 12:07 लोकल, इसमें क्राउड भी कम होता, पर क्या भी करे। इतनी हर समय जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। चलो अभी 9:50 का ट्रेन धरता हूँ, वो ट्रेन थोड़ा सा खाली होगा, पूरी सीट भी पाऊँगा। 32 बज रहे अभी तो चलो। अभी 3 नंबर प्लेटफॉर्म में जाके धरते हैं, और मैं सुन रहा था भाई बोनगंज प्लेटफॉर्म ना अलग ही कट देगा तो चलो। मतलब गवर्नमेंट से कुछ लिया है कि कितना करोड़ रुपया खर्च करा है कि इसको अच्छा करने के लिए, तो चलो और भी अच्छा करने के लिए तो चलो। ये वाला ट्रेन है तो धर कर जल्दी से जाता हूँ, तो यहाँ पीछे का तरफ जाऊँगा। पहले तरफ का ये सब सीट खाली है, पर मैं पीछे की तरफ जाऊँगा क्योंकि बहुत भीड़ होगा, है ना। देख रहा हूँ कुछ लोगों को भाई ये जो भैंडर बोगी में अगर बैठ रहे, क्योंकि इसमें पूरी कुछ भी क्राउड नहीं होता है, आई डोंट नो। तो चलो पीछे की तरफ जाकर बैठता हूँ। तो ये जो भाई बोनगंज प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, यहाँ पे पूरा खाली हुआ है क्योंकि इसको मॉडरेट करेगा उसी लिए। तो ये वाला होपफुली खाली है, देखो तो एक जगह लेकर बैठता है। इस तरफ सनलाइट होगा, इस तरफ भी बैठता हूँ। इसको भाई कैसे लेकर जाऊँ मैं भी सोच रहा हूँ, तो देखते हैं। क्राउड होगा तभी प्रॉब्लम होगा, 20 मिनट से फिर 15 मिनट के अंदर ही ये ट्रेन छोड़ देगा। तो यार देखो भीड़ एकदम नहीं है, तो एक ड्राइंग को लेकर जाना भाई कठिन तो है क्योंकि इसके ऊपर कोई स्क्रैच पड़े तो प्रॉब्लम है, और सारी गियर के अंदर होपफुली मैं जमा कर दे पाऊंगा। तो इस तरफ रख दूंगा ऐसे करके और जाऊंगा, क्योंकि एक खजाना है, बहुत कष्ट करके मैंने ये करा है। गाइस जो भी बोलो, इस ड्राइंग को देने का इच्छा मेरा तो भाई नहीं हो रहा है, पर देना तो पड़ेगा, माया कटाना पड़ेगा सबसे। और देखते हैं कैसे लेकर जाता हूँ ट्रेन से ट्रैवल करके, क्योंकि बहुत क्राउड होता है बोनगंज लोकल में। तो यहाँ आई डोंट नो क्या होगा, तो इसका फ्यूचर क्या होगा, तो क्या होगा मैं नहीं जानता। लाइफ में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए, क्योंकि मैं इसके पहले का ट्रेन में जो ही जाता मैं सीट नहीं पाता रखने का, तो इसीलिए ये वाला ट्रेन में अच्छा ही हुआ। अब इसी केक की प्रॉब्लम है, इसको मैं लेकर कैसे जाऊँ ट्रेन से, वो भी बोनगंज लोकल में इतना क्राउड होता है। तो आई डोंट नो, और जो बोलो हुआ था भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल।
ट्रेन के अंदर देखो, इसका फोटोशूट चल रहा है। 9:40 हो रहा है, इसलिए क्राउड नहीं है, अदरवाइज थोड़ा देर बाद क्राउड हो जाएगा। तो अभी इसके साथ क्या होगा वो भगवान के हाथ में है, छोड़ देता हूँ, क्या ही बोलूँ। इसको रख के मैं ऐसे बैठ, माझीराड़ी वाला माझीराड़ तक जाएगा, शियालदा नहीं जाएगा। होपफुली थोड़ा सा क्राउड कम होगा, क्योंकि शियालदा तक होता तो और ज़्यादा क्राउड होता, डबल होता क्राउड, तो क्योंकि सब शियालदा में ही जाता है बेसिकली। और क्या तो पब्लिक प्लेस में वीडियो करना थोड़ा सा तो शेमफुल है, पर अभी 1 घंटा 20 मिनट के बाद मिलते हैं तो हम उसके उससे भी ज़्यादा हो सकता है। आजकल वही मैं एक बात ही देखता हूँ, सभी भाई मोबाइल में लगे पड़े हैं। बाहर का जो सन्डेरिय है ट्रेन का बाहर में कोई भी नहीं देखता, पर मैं देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये जो टिकट है ना इससे ऊपर मैं दम दम तक जा पाऊँगा। 1215 रुपये है ना। तो मैंने अभी 2-3 TT और पीछे हमारा इंद्रजीत सर को भी जाने देखा। टीचर है ना स्कूल का, तो हाँ उस दिन भी ओपुली छाड़ेगा ट्रेन, छोड़ भी दिया है पर बिल्कुल क्राउड नहीं है। क्या व्यू है भाई, पटरियों के ऊपर से कैसे जाता है ट्रेन। बेसिकली कोई भी पास में बैठा नहीं है, तो तुम्हें अच्छा खासा करके आप सबको व्यू दिखा पाऊंगा, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई पास में बैठता है, तो अच्छा करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। पर होपफुली मैं उसके साथ साथ थोड़ा सा सो भी लूँगा। तो गाइस ये 9:50 का ट्रेन ही सबसे अच्छा है, कम पक्के 2-3 स्टेशन तो कम भीड़ हो रहा है, इसके बाद से बाद का स्टेशन से होपफुली भीड़ हो जाएगा, वो बात अलग है। और ये तो शियालदा भी नहीं जाएगा उसी लिए। और आपको जब ना ये लोगों के अंदर वीडियो करने में ब्लॉग बनाने में शर्म आए, तो हर एक को आत्मा समझो, किसी को भी मतलब शरीर नहीं समझ के आत्मा समझो, तो किसका डर, किसका शेमफुलनेस है ना, शर्म किसका।
अभी होपफुली गोबोटेंगा छड़ाया है तो हल्का बदला ग्राउट तो हो रहा है। तो चलो अभी भी 45 मिनट्स तो लगेगा। अभी होपफुली हावड़ा में वो तो देखो क्राउड कितना हो जा रहा है। चाहे बोल अभी होपफुली 10 मिनट के अंदर चला आऊंगा थिंक सो। तो अभी होपफुली पामूंगा जिसके बाद ही बारिश है तो भी के अंदर जाकर नाम लेता हूँ जल्दी से। चलो क्या बोलने में तो पूरा ट्रेन ही भाई यहाँ पे खाली हो गया है जो मैंने देखा उस समय, तो वीडियो करना पॉसिबल नहीं था। तो चलो तो अभी मेनली टोटो धर के जल्दी से जाता हूँ। 11:10 हो रहा है, 11:30 के अंदर उम्मीद करता हूँ कि दे पाऊँगा जब मैं। चलो टोटो नहीं इधर हूँ तो और नहीं होगा। और जाए बोलो ये पिक्चर लेकर आ पाया ही बड़ा बात है। तो टोटो तो होपफुली आ गया, वो अभी जल्दी से जाकर कॉलेज में बोटानी डिपार्टमेंट में जमा करके आता हूँ। तो गाइस कॉलेज तक तो चले आया हूँ, तो चलो अभी अंदर जल्दी से देखा रहा था वो, अदरवाइज बहुत लेट हो गया है। तो हाँ वो बहुत सारे लोग लेकर भी आ रहा है वो देखो, तो या देखा रहता हूँ। एटलस भाई ये पोस्टर लेकर आ तो गया हूँ, अभी चलो अंदर जाकर जमा देखा रहा। तो मैं मेरा डिपार्टमेंट बोटानी डिपार्टमेंट जाकर जल्दी से जमा देकर आता हूँ। डिपार्टमेंट में बोटानी है सबसे ऊपर 3 तला में। तो अभी 11:15 हो रहा है, तो मैम के पास जाकर जमा देकर आता हूँ। जो होगा देखा जाएगा, मैंने मेरा बेस्ट करा था।